बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खुश होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज जो ये ज़बरदस्त सी चीज़ें आपके सामने, हरी भरी सी चीज़ें आपके सामने हैं, ये जी बन रही है आज टमाटो गार्लिक सॉस। टमाटो गार्लिक सॉस के लिए नहायत आसान चीज़ें, 2 मिनट में बनने वाली चीज़ें और देर तक जायका याद रखने वाली चीज़ें, ठीक है जी। तो चलिए जी मैं आपको बता दूँ इसमें क्या कुछ डलेगा। इसमें डलेंगे जी हरी मिर्चें, टमाटर, फ्रेश धनिया, गार्लिक और नन अदर देन ज़ीरा, ठीक है जी। प्रोसेस इसका करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये चटनी बनेगी जी इसके उसके चॉपर के अंदर, उसको करते हैं हम स्टार्ट। फूड प्रोसेसर हमारा बिल्कुल तैयार है अपने अंदर चीज़ों को समेटने के लिए। ये सारे का सारा प्लेटर बारी बारी जाएगा इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी, ये चला गया सब कुछ झटपट झटपट। रेसिपीज़ आपके सामने आती रहेंगी इंशाल्लाह, पूरी मेरी कोशिश है, ठीक है जी, ताकि कि आपकी ज़िंदगी में बन जाएँ एक झटपट से आप शेफ़ बन जाएँ, झटपट से शेफ़ जी। फटाफट 2 मिनट में बना के ले आती हैं जी, कमाल की लाती हैं जी, ठीक है जी। ज़ीरा, ठीक है, अच्छी तरह फैला के, साथ ही जी नमक। ज़ीरा मैंने लिया 1 टेबलस्पून और नमक भी मैंने 1 टीस्पून भर के ज़रा मैंने ले लिया है नमक, ठीक है जी। और साथ ही मैंने ले लेना है इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून पानी का जस्ट, ठीक है जी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये चटनी जो है ये ग्राइंडर में क्यों नहीं बनाई, क्योंकि ग्राइंडर में बिल्कुल ही पेस्ट बन जाता है। जो प्रोसेसर है हमारा, जो चॉपर है हमारा, इसमें जो छोटे छोटे चंक्स जो हैं वो नज़र आते रहते हैं, पता चलता है कि जी बंदा खा क्या आ रहा है, ठीक है जी। चलें जी चटनी करते हैं स्टार्ट बनानी। ये जी हमने लगा दिया है लॉक, ठीक है जी, लॉक लग गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसको करते हैं हम स्टार्ट। माशाल्लाह से हमारी चटनी जो है वो इसमें बन चुकी है, ठीक है। मैं इसको आपकी लुक दिखाऊं कि इसकी लुक किस तरह की आई है, ठीक है जी, क्योंकि इसमें चंक्स जो है वो नज़र आते रहते हैं। करते हैं प्लेटिंग जी, या पहले देख लें, आई थिंक पहले देख लें, ठीक है जी। ये हमने इसका ब्लेड निकाल दिया, सबसे ख़तरनाक होता है ये, कभी भी ब्लेड अंदर हो, आप अंदर हाथ मार रहे हो, ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मैं 2 दफ़ा तो कर ही चुकी हूँ, ठीक है जी। ये देखें माशाल्लाह जी चटनी की लुक, हर चीज़ जो है उस हर चीज़ के चंक्स जो हैं वो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। इसको जी करते हैं इसकी प्लेटिंग। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पुलाव के साथ, सादे चावलों के साथ, जिस चीज़ के साथ मर्जी है, और ये आपकी जो डिश होगी ना उसको 4 चांद लगा देगी। करते हैं जी इसकी प्लेटिंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। ये देखें जी कितने मज़े के चंक्स इसके नज़र आ रहे हैं, हर वो चीज़ जो हमने डाली वो तकरीबन सारी ही नज़र आ रही है, ठीक है जी। और यही इस चटनी की जो है वो खूबसूरती है। वैसे अगर आप ग्राइंडर में चटनी बनाएं तो ये बिल्कुल जो है वो मलीदा सा बन जाता है, ये देखें, ठीक है जी, कमाल की लुक नज़र आ रही है आपकी। ज़बरदस्त सी चटनी तैयार है, हाज़िर है आपके सामने। इसको आप अपने गेस्ट के सामने रखेंगे तो मैं कहती हूँ वो आपसे रेसिपी पूछे बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, मेरे ये शर्त है आप लगा लें मेरे से, ठीक है जी। ये चटनी जो है ये ज़्यादातर यूज़ होती है अरब ममालिक में, जैसे सऊदीया है, कुवैत है, या इस तरह के अरब जो हमारे हैं, क्योंकि वो खाते हैं राइस ज़्यादा, वो ये चटनी जो है स्पेशली उसके साथ करते हैं इस्तेमाल। अब बारी आती है जी इसके अंदर और मज़ीद स्पाइसेस ऐड करने की। देखिए साथ ही इसके अंदर जाएगी 1/2 से भी 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स का और 1/2 लेमन, ठीक है जी। ये देखें आप ही कहेंगे कि जब टमाटर ही डाल दिए फिर लेमन अगर जब आप ऐड करेंगे ना इसमें, मैं कहती हूँ ये इसके फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस कर देगी, ठीक है जी। लेमन हमने डाल दिया है, अब करेंगे हम इसको मिक्स। मैं वो काम भी स्पैचुलर से ही कर रही हूँ जो कि सिंपल स्पून से करने वाले हैं, बिकॉज यू नो आई लव माय स्पैचुलर्स, ठीक है जी। ये हमारी हो गई चटनी तैयार, तो इसको टेस्ट करके दिखाऊँ आपको। ये देखिए बिल्कुल इतना सा लिया मैंने, उफ यकीन माने ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी, हर एक चंग जो है वो मेरे मुंह में आ रहा है, और लहसुन का
ज़ीरे का कमाल टेस्ट है। तो जी मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। एक झटपट रेसिपी है, गर्मियों में ख़ास तौर पर आप ये बनाएं। तो हमारी जो सादी माएँ हैं वो तो बेचारी इसी चटनी के साथ ही रोटी खा लेती हैं। ठीक है जी, चलें जी, मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह आपके सामने हाज़िर होंगी मैं एक और नई अच्छी झटपट रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।